गाड़ी लेते समय पैसे कौन नहीं बचाना चाहता, हर कोई चाहता है कि कहीं मेरे एक्सेसरीज में, कहीं लोन में, कहीं इंश्योरेंस में थोड़े बहुत पैसे बच जाए। और इंडियंस तो भाई बार्गेनिंग के बहुत बड़े उस्ताद होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि कैसे आप नई गाड़ी के लिए अच्छा एक बेस्ट इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। और आपके मन में कुछ सवाल हैं जैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वाले वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं इस वाली वीडियो को जितना सिंपल शब्दों में हो सके उतना रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई जोड़ घटाओ गणित कॉमर्स इन सब से मुझे भी बिल्कुल ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर वेरिएंट वाइज पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कोई इंश्योरेंस का कोई रेट वगैरह कंपेयर करके नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वेरिएंट वाइज भी जब किसी एक गाड़ी या पर्टिकुलर गाड़ी का XE, XM, XZ, XT जो भी वेरिएंट हैं, अगर उनमें भी मतलब आप चेंजेस करेंगे ना तो भी इंश्योरेंस की प्राइस वो हो जाती है। सो मैं आगे लास्ट में बता दूंगा कि मैंने अपना इंश्योरेंस कितने का लिया था, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ये चीज़ें ज़रूरी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई इंश्योरेंस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो रेट हैं वो कंपेयर कर लें, उसके बाद आप दोनों जगह एक चीज़ देखें कि कौन सा इंश्योरेंस आपको कैशलेस क्लेम की सुविधा दे रहा है। कैशलेस क्लेम क्या होता है शॉर्ट में आपको बताऊं कि जब आपकी गाड़ी में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, कुछ गाड़ी ठुक वुक जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है छोटा भी माइनर भी, तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में जो क्लेम वगैरह होता है ना, तो क्लेम लेते समय जो भी आपकी गाड़ी में सामान लगा जितने का भी जो चार्ज लगा वो आपको पहले पे करना होता है, और उसके बाद जब आपका काम हो जाता है तो कंपनी आपको आपके खाते में देती है। अब भाई किसी के पास पैसे ना हो तो वो तो क्लेम ही ना ले पाए। सो कैशलेस ये होता है कि डायरेक्ट जो कंपनी है वो आपकी डीलरशिप या वर्कशॉप से डील कर लेगी, आपको बीच में कोई फाइल चार्जेस वगैरह केवल देने की आवश्यकता पड़ेगी, 1500 रुपये होता है फाइल चार्ज, बाकी आपको कोई चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा। सो कैशलेस सुविधा आपको कौन दे रहा है ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको वैसे इंश्योरेंस लेते समय सभी बोल देंगे कि हाँ भाई हम कैशलेस दे रहे हैं, हम कैशलेस सुविधा देंगे आपको, आप ले लो बस ले लो, तो उन्हें चेपने का रहता है। और इंश्योरेंस लेते समय आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है ना सब भागने लगते हैं, तो उस समय दिक्कत ना हो तो आपको सबसे अच्छे तरीके से पता कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आप अपने डीलरशिप के पास जो भी वर्कशॉप है, आप जो भी फॉर एग्जांपल मैं टाटा टियागो का लेता हूँ, तो टाटा के जिस डीलरशिप से मैं गाड़ी ले रहा हूँ वहाँ पर नियरेस्ट उनकी एक वर्कशॉप होगी, या सर्विस सेंटर से भी आप पता कर सकते हैं कि नियरेस्ट वर्कशॉप कहाँ है जहाँ पर एक्सीडेंटल गाड़ियों का काम होता है। वहाँ पर वर्कशॉप मैनेजर से आप पूछें कि यहाँ इस वाली डीलरशिप का टाई अप किस किस कंपनी से है, किस किस इंश्योरेंस कंपनी से है। सो वहाँ से आप लें, जिन भी कंपनियों से टाई अप हो तो वो कंपनियाँ आपको कैशलेस की सुविधा प्रोवाइड करा देगी। अब ये अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग हो सकता है। सो पर्सनली मैंने जो इंश्योरेंस लिया था वो न्यू इंडिया कंपनी से लिया था और मुझे 28,000 कुछ का पड़ा था। अब इसमें भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आगे जाके बताऊँगा, और उसमें मुझे जो क्लेम मैंने लिया था गाड़ी में मेरा स्क्रैच और डेंट वगैरह हो गए थे, तो मुझे एकदम कैशलेस वगैरह कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, 1500 रुपये कुछ पे करना पड़ा और बढ़िया अच्छे से मेरा काम हो गया। ऑनलाइन इंश्योरेंस आप ले तो लेते हैं भाई शौक शौक में, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली डीलरशिप वगैरह से या किसी एजेंट से आप जो लेंगे उससे 2-3 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर कल को क्लेम करने में कोई दिक्कत आती है या प्रोसेसिंग में कुछ समस्या आती है तो आप किसको बोलने जाएंगे। सो आप डीलरशिप से लेने में ये वाला फ़ायदा है कि आप किसी को बोलने तो जा सकते हैं, आप क्लेम वगैरह करें तो मतलब आपको एक पीस ऑफ माइंड जो है वो डीलरशिप से आपको मिल जाता है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसे आप एक्सचेंज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप जिस बंदे के नाम पर वो गाड़ी थी और उसी बंदे के नाम पर आप नई गाड़ी ले रहे हैं
और आपने पुराने वाली गाड़ी के इंश्योरेंस पर कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो आप जिस भी कंपनी से वो इंश्योरेंस था वहाँ पर जा करके एक नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट ज़रूर लें, और जो नई गाड़ी आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से जिसका इंश्योरेंस ले रहे हैं उन्हें शो करें कि भाई ये मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, इसका मैंने कभी भी क्लेम नहीं लिया, मेरे पास नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट है। तो वो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपकी नई गाड़ी के इंश्योरेंस पर दे सकती है और देगी ही है, और अच्छा खासा मतलब 8-9-10 हज़ार रुपये का जो डिस्काउंट है वो इजीली इस चीज़ से मिल जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगली चीज़ ये कि आजकल इंश्योरेंस लेते समय आपको डीलरशिप पर एक चीज़ मैंडेटरी हो गई कि आपको मिनिमम 3 साल का इंश्योरेंस लेना ही लेना है, और 3 साल का इंश्योरेंस लेने में भी आपको 2 ऑप्शन रहते हैं कि आपको 3 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना है या फिर आपको 2 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का फर्स्ट पार्टी लेना है। सो मैंने क्या किया था कि मैंने 1 साल का फर्स्ट पार्टी लिया था और 2 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था। सो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी के चक्कर में मुझे 28 हज़ार कुछ का पड़ा, नहीं तो इससे ज़्यादा और भी महंगा पड़ सकता था। लेकिन मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगा कि आपके पास अगर पैसे हैं, आपके पास अगर बजट है, तो आप 3 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 1 साल का फर्स्ट पार्टी और 2 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने का तो ऑप्शन है ही। सो उसमें फ़ायदा क्या है आपको 3 साल का फर्स्ट पार्टी लेने में, कि आपकी जो गाड़ी की IDV वैल्यू है वो 3 साल तक वही रहेगी जो गाड़ी की फर्स्ट ईयर में थी, मतलब गाड़ी की जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो घटेगी नहीं। सो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अब IDV वैल्यू क्या होती है ये सारी डिटेल में एकदम अब चीज़ें बताने जाएंगे तो वीडियो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा सा लगने लगेगा। सो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि IDV वैल्यू क्या होती है। बाकी ये था वीडियो में, मैंने अपनी तरफ से जितना सिंपल तरीके से हो सके समझाने की आप लोग को कोशिश करी है, और उम्मीद है आप लोग को ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी करना क्या है आप सभी को पता होगा। हाँ, बाकी कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कुछ इसमें सजेशन देना चाहें, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.